पानी जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सो वी शुड यूज़ वाटर केयरफुली। हमें जो वाटर है बहुत एहतियात से यूज़ करना चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत हो हमें सिर्फ उतना पानी इस्तेमाल करना चाहिए। ओके वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द लेसन एंड बिफोर वी स्टार्ट अवर लेसन मैम विल आस्क यू समथिंग। आर यू रेडी? येस, वेरी नाइस। स्टूडेंट्स हरी अप, टेल मी हाउ मेनी वाउल्स? वेरी गुड, 5 वाउल्स। और वो वाउल्स हैं कौन से? जी द फर्स्ट इज ए, ई, आई, ओ एंड यू। वेरी गुड। अब आप मैम को इनकी साउंड बताएंगे। जल्दी से मैम को बताएं वाउल लेटर ए की क्या साउंड है? ए ए ए। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ वाउल लेटर ई? ए। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ आई? ई। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ ओ? हरी अप टेल मी, ओ ओ ओ। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ यू? अ अ अ। स्टूडेंट्स इन प्रीवियस लेसन मैम आपको कौन सा वाउल लेटर रीड करवा रही थी? वेरी गुड, वाउल लेटर ई। वेरी नाइस। तो आज के लेसन में भी मैम आपको वाउल लेटर ई की रीडिंग करवाएंगी। ओके आर यू रेडी? वेरी गुड। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपको बताएंगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाउल लेटर ए एंड ई। हम इन दोनों लेटर्स की साउंड में डिफरेंस देखेंगे और अब हम कुछ वर्ड्स को रिकॉल करेंगे कि उनमें कहाँ ये साउंड आ रही है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैम को बताएं व्हाट इज़ द साउंड ऑफ वाउल लेटर ए? वेरी गुड, ए ए ए। अब मैम को कोई एग्जांपल बताएं जिसमें वाउल लेटर ए की साउंड आ रही हो। तो आपको क्या नज़र आ रहा है? एंट। अब मुझे बताएं वर्ड एंट में क्या आपको ए साउंड आ रही है? वेरी गुड, ए एंट, एप्पल। और भी बहुत से वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे होंगे ना जिसमें वाउल लेटर ए की साउंड आ रही है। ओके इसी तरह वाउल लेटर ई से हम कोई वर्ड बनाते हैं। आपको स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है? एग। जब हम वर्ड एग को प्रोनाउंस करते हैं तो हमें क्या साउंड आ रही है? ए, एग। ऐसे और भी बहुत से वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें वाउल लेटर ई की साउंड आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल। और कोई वर्ड मुझे बताएं? एलिफेंट। वेरी गुड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स विच वाउल इज दिस? ई। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ वाउल ई? ए। वेरी नाइस। ओके स्टूडेंट्स नाउ मूव टू द लेसन। अब मैम हम क्या करेंगे, मैम रीडिंग करवाएंगी आपको। हमारे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, हमने उन न्यू वर्ड्स की रीडिंग करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स नाउ वी विल रीड सम न्यू वर्ड्स। अब हम देखते हैं वो न्यू वर्ड्स कौन से हैं जिन्हें हमने रीड करना है और हमने ये भी देखना है उन न्यू वर्ड में कौन सी साउंड आ रही होगी। वेरी गुड, ए साउंड आ रही होगी बिकॉज हम आज वाउल साउंड ई पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस? आपको बहुत सी पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ट्रीज नज़र आ रहे हैं और ये है एक टेंट। ओके हियर इज एन अदर टेंट। वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल रीड द वर्ड टेंट और हमने देखना है वर्ड टेंट में ऐसा उनका आ रही है। ओके सो हियर इज अ वर्ड टेंट, रीड विद योर मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर टी, द साउंड ऑफ लेटर टी इज। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा लेटर है? लेटर ई। और ई की साउंड ए। स्टूडेंट्स एन और टी जब लास्ट में किसी वर्ड पे आता है तो उसकी साउंड होती है नट। वेरी गुड। अगेन रीड विद योर मैथ। ए नट टेंट। वेरी नाइस। ओके इन दिस पिक्चर वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पैरोस। और स्पैरो क्या कर रही हैं? यस वो अपने नेस्ट में बैठी हुई हैं।
स्टूडेंट, जो बर्ड्स होते हैं वो अपने हाउसेस कहाँ बनाते हैं? ट्रीज पे बनाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नेस्ट. वेरी गुड. सो द वर्ड इज नेस्ट. अब इसमें भी आपने एस और मैम को बतानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हमारे पास है लेटर एन और एन की साउंड है नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यस, वाउल ई और ई की साउंड ए. और हमारे पास है एस ओ टी. एस ओ टी इज अ फाइनल प्लान. स्ट नेस्ट. वेरी गुड. ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. वाओ, अ ब्यूटीफुल रूम. और रूम में क्या है? हियर इज अ बेड. वेरी गुड. एंड सो मैनी टॉयज एंड बुक्स. सो आवर वर्ड इज बेड. अब हम देखते हैं वर्ड बेड में जो है वो ई साउंड कहाँ आ रही है. रीड विद योर मैम. व्हाट इज द साउंड ऑफ बी ब ए ड बेड. Very nice. Okay. Here is a bell. Wow, a beautiful bell. Students, now we'll read the word bell. Read with your mom. The sound of B is B. E. U. Bell. Very good. Okay, students. Now, okay, students, here is an activity for you. That is related to the vowel sound E. आज हमने अपने लेसन में वाउल साउंड E को बहुत अच्छे से रीड किया और बहुत से ऐसे वर्ड्स रीड आउट किए जिसमें साउंड E आ रही थी. वेरी गुड. तो आज मैम एक्टिविटी में आपको बहुत से वर्ड्स शो करवाएंगी और आप मैम को बताएंगे कि वाउल E कहाँ आ रहा है, फिर हम उसे सर्कल करेंगे. ओके, सो हियर इज अ beautiful hand and here is a word hand. अब हम क्या करेंगे, इस वर्ड में से साउंड ई को यानी कि वाउल साउंड ई को फाइंड आउट करेंगे और उस पर सर्कल करेंगे. सबसे पहले हम वर्ड को रीड करते हैं. हमारे पास है लेटर एच और एच की साउंड और ये है ई. ई की साउंड बताएं जल्दी से. ए. और ई क्या है? वाओ. एंड नेक्स्ट हमारे पास है लेटर एन. एन की साउंड तो यहाँ हमने क्या करना है, वाउल साउंड ई को फाइंड आउट करना है और उस पर हमने सर्कल करना है. वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. हियर इज अ जेट. ओके, अब हम वर्ड जेट को रीड करते हैं, फिर साउंड ई को फाइंड आउट करके उस पर सर्कल करेंगे. जे की साउंड ज. ए. जेट. एंड अब हम क्या करेंगे? वेरी गुड, हमने वाउल साउंड ई को सर्कल कर दिया. द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज दिस? विच नंबर इज दिस? 1 and 0. वेरी गुड, टेन. एंड वेयर इज अ वर्ड टेन? रीड विद योर मैम. ए. और इस पे हमने क्या किया, वाउल साउंड ई को सर्कल किया. वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स.